चलिए बात करेंगे चमोली के, जहां जिले में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिला पंचायत सभागार में कार्यक्रम का आयोजित किया है, जिसमें बच्चों को दूध पिलाकर इसकी शुरुआत की गई है। इस मौके पर बच्चों को सप्ताह में 2 दिन 100 ml दूध दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने डेयरी और बाल विकास विभाग के अधिकारियों को इस योजना की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है। साथ ही डीपीओ ने कहा कि जिले में 1068 आंगनबाड़ी केंद्रों और इन केंद्रों पर 3 से 6 साल के लगभग 8,500 बच्चे के, जिसके चलते कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पे उद्घाटन किया गया, जो कि राज्य सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सभी आंगनवाड़ियों में सभी बच्चों को 100 ml दूध पिलाया जाएगा। तो आज उसकी पूरी ट्रेनिंग भी दी गई आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को कि किस तरीके से आपको उस दूध को बनाना है, किस तरीके से इसको रखना है और कैसे पिलाना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस स्टेप से बहुत ज़्यादा हमारे जो कुपोषण है उसको हटाने में बहुत ज़्यादा मददगार हो। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का आज शुभारंभ था और इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को ये आंगनवाड़ी हेतु आज जो मिल्क पाउडर है वो दिया गया है। इसमें आंगनवाड़ियों में जो 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं वहाँ आते हैं, उनको सप्ताह में 2 दिन दूध पिलाया जाना है। एक बच्चे को 100 ml दूध पिलाया जाना है, जिसके लिए एक बच्चे को 10 ग्राम मिल्क पाउडर से वो दूध बनाया जाएगा और उनको पिलाया जाएगा।